तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं हम। कमर दर्द के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, कोई भी कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा असरदार भी है। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि हर हाउसवाइफ को ये एक्सरसाइजेस सीखना चाहिए और एक्सरसाइजेस करना चाहिए। तो एक्सरसाइज के लिए आपको बेड में लेट के करना है, तो आप लेट जाइए सर इस तरफ। हाँ, बस बस लेट जाइए, हाँ लेट जाइए। और उसके बाद जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको हम लोग ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आप दोनों घुटनों को मोड़ दीजिए। हाँ, अब दोनों आपको इस तरह से लेटना है, दोनों घुटनों को मोड़ देना है और फिर धीरे से कमर को उठाइए, कमर को उठाइए। हाँ, इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखिए, सबसे बेस्ट है। 1 2 3 4 5 काउंट करिए, फिर आप नीचे रख दीजिए। फिर से करिए, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये देखिए, ये कमर का जो हमारे पीछे की जो मांसपेशियां हैं उसको ये मजबूत करेगा। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार करें, जितना करेंगे उतना अच्छा है। फिर इसी पोजीशन में आपको बस सिंपली आपको कमर को ट्विस्ट करना है। ये देखिए, आप दोनों पैरों को इस तरह से करिए, ट्विस्ट करिए। ये देखिए, आप एक बार लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं, फिर एक बार राइट की तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करिए। जब आप लेफ्ट की तरफ अगर अपने पैर को ट्विस्ट करेंगे तो आपका नेक जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होगा। फिर उस तरफ करिए, फिर नेक उस तरफ। ये देखिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, आप घर में करिएगा इसको। तो इसको भी 15 20 बार करिए मिनिमम। अब जो अगला एक्सरसाइज है उसके लिए आपको पेट के बल लेटना होगा। आप पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेटेंगे और उसके बाद फिर आप दोनों हाथों को बगल में रख दीजिए। हाँ, और फिर आप एक पैर को घुटनों को बिना मोड़े आप उठाएंगे। ये देखिए, हाँ उठाइए, हाँ 1, फिर रखिए, फिर दूसरा को उठाइए, हाँ 2, 5 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर उठाइए, 3। इस तरह से एक एक पैर में 10 10 बार करेंगे, यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली काउंट करेंगे तो 20 बार आपको ये एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। अब जो अगला एक्सरसाइज है उसमें आपको इसी तरह से लेटे रहेंगे और आप अपने आपके अपने बॉडी को इस तरह से उठाइए। देखिए, अपने नेक को और सर को उठाएं और अपने चेस्ट को भी उठाना है, फिर नीचे रखिए, फिर उठाइए। हाँ, ये देखिए, फिर नीचे रखिए, फिर उठाइए, फिर नीचे रखिए। तो इसको भी 10 बार आप करेंगे, ठीक है, इससे आपका अपर बैक एरिया में स्ट्रेंथनिंग होगा। उसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है उसमें आप एक हाथ को आगे कर दीजिए, मैं व्यू से हट जाता हूँ। एक हाथ को इस तरह से कर दीजिए। हाँ, अब जैसे अगर आप राइट हैंड को आप उठा रहे, सॉरी लेफ्ट हैंड को उठा रहे हैं, तो आप उस समय में अपने राइट पैर को उठाएंगे। तो हाँ, उठाइए, यस। ये देखिए, मैं व्यू से हट जाता हूँ। तो देखिए, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट पैर, फिर नीचे रखिए, फिर उसी तरह से। हाँ, यस, राइट हैंड लेफ्ट लेग इस तरह से उठाना है, फिर उसी तरह से रिपीट करिए। हाँ, यस, उठ नहीं रहा है वो, हैंड को उठाइए। हाँ बस, तो इसी तरह से एक एक तरफ आपको 10 बार मिनिमम करना है। तो ये एक्सरसाइजेस को आप याद रखें, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये सारे एक्सरसाइजेस कितने सिंपल है आपने देखा। और इस जो हाउस वाइफ से रिलेटेड मैंने और भी के जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है उससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, नेक पेन पे बनाए हैं मैंने, नी पेन पे बनाए हैं, आप वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो रेगुलरली आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इससे यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पहली बार हमारे चैनल में आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।